वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। हालांकि अदालत ने आज फैसला नहीं सुनाया है, कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया है। बता दें, हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन ने बहस की। वैद्यनाथन ने तकरीबन 40 मिनट तक दलीलें पेश की। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी के दाहिने हिस्से में तहखाना स्थित है, जहां पर हिंदू वर्ष 1993 तक पूजा कर रहे थे। ऑर्डर 40 रूल 1 CPC के तहत वाराणसी कोर्ट ने DM को रिसीवर नियुक्त किया। यह फैसला किसी तरह से मुस्लिमों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि मुसलमान कभी तहखाने में नमाज नहीं पढ़ता था। हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि कोर्ट ने जब वाराणसी DM को रिसीवर नियुक्त किया तो उन्होंने कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया। वैद्यनाथन ने कहा कि वाराणसी जिला कोर्ट ने DM वाराणसी को रिसीवर नियुक्त किया और विधिवत पूजा की इजाजत दी। अब आपको बताते हैं कि मुस्लिम पक्ष ने क्या दलीलें पेश की है। मुस्लिम पक्ष की ओर से सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अहमद नकवी ने बहस शुरू की है। नकवी ने कहा कि 151-152 CPC को हिंदू पक्ष ने सही ढंग से नहीं पेश किया। उन्होंने दलील दी कि DM को रिसीवर नियुक्त करना वास्तव में हितों में विरोधाभास पैदा करना है। नकवी ने दलील दी कि जिला जज के आदेश में बड़ी खामी है, उन्हें अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए था। व्यास परिवार ने अपने पूजा के अधिकार को काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दिया था, तो उन्हें अर्जी दाखिल करने का कोई हक नहीं था। नकवी ने कहा, DM पहले से ही काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के पदेन सदस्य है, तो उन्हें ही रिसीवर कैसे नियुक्त किया जा सकता है। हिंदू पक्ष को यह मानना चाहिए था कि DM ट्रस्टी बोर्ड का एक हिस्सा है। जिला जज कुछ चीजों को सुविधाजनक बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा आदेश पारित किया। नकवी ने कहा, किसी भी तहखाना का कोई उल्लेख दस्तावेजों में नहीं है। प्रासंगिक दस्तावेजों में किसी स्थान पर स्थित संपत्ति का सामान्य विवरण दिया गया है। नकवी ने पंडित चंद्रनाथ व्यास के वसीयत दस्तावेज का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इस दस्तावेज में संपत्ति का कुछ विवरण दिया गया है, लेकिन सब कुछ नहीं है। अब हिंदू पक्ष की दलीलें जानिए। व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना के खिलाफ दाखिल याचिका पर हुई सुनवाई में सबसे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता CS वैद्यनाथन ने बहस की। उन्होंने तकरीबन 40 मिनट तक दलीलें पेश की। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी के दाहिने हिस्से में तहखाना स्थित है, जहां पर हिंदू वर्ष 1993 तक पूजा कर रहे थे। ऑर्डर 40 रूल 1 CPC के तहत वाराणसी कोर्ट ने DM को रिसीवर नियुक्त किया। उन्होंने कहा कि यह फैसला किसी तरह से मुस्लिमों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि मुसलमान कभी तहखाने में नमाज नहीं पढ़ता था। कोर्ट ने जब वाराणसी DM को रिसीवर नियुक्त किया तो उन्होंने कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया। CS वैद्यनाथन ने कहा कि वाराणसी जिला कोर्ट ने DM वाराणसी को रिसीवर नियुक्त किया और विधिवत पूजा की इजाजत दी।